एक बाइकर के लिए सबसे बेस्ट काम क्या हो सकता है? अपनी बाइक को धोना। तो बस वही करने जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हैदराबाद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज का व्लॉग जो है वो टोटली हैदराबाद डे के ऊपर है। तो कल राइड करने के बाद 12 बजे के आसपास सो गया था। रात को अराउंड 10:00 मॉर्निंग को उठा। फिर उठ के सब इंस्टाग्राम एंड ऑल टाइम पास किया। सो अभी 11 बज रहे सुबह के और मैं अपनी बाइक क्लीन करने जा रहा हूँ। चेन भी क्लीन करना है, चेन लूप कर देता हूँ, थोड़ी गंदी हो गई है। कल सोचा था मैं निकल जाऊँगा बट स्टे ले रहा हूँ, मेरा एक ऑफिस का काम भी है तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा काम करूँगा। स्टे मैंने यहाँ पे एक्सटेंड करा लिया है और उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा आजू बाजू घूमने भी जाऊँगा, चार मीनार या फिर हुसैन सागर, देखता हूँ। फिर देखते हैं कैसा दिन जाता है, आई विल कीप यू पोस्टेड। अभी फ़िलहाल बाइक क्लीन करते हैं। और ज़्यादा डिटेल में साफ़ करने का नतीजा एम लीगल ही गया, अभी एच का रहेगा सिर्फ। अब इसको फेविक्विक से लगाना पड़ेगा। फेविक्विक में एक्स्ट्रा कैरी कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफें आती है तो एक्स्ट्रा फेविक्विक रखना तो बहुत ज़रूरी है। चेन क्लीनर डाल दिया है, अभी थोड़ा मैं बाइक को नॉर्मल क्लीन कर देता हूँ। तब तक ये चेन क्लीनर का इफेक्ट हो जाएगा, फिर इसको मैं ब्रश मार दूंगा तो क्लीन होने के बाद फिर इसको मैं लूप कर दूंगा। और हो सके तो अगर मुझे टाइम मिला तो सर्विस सेंटर भी चले जाऊंगा। पता नहीं क्यों ABS का स्क्रीन मीटर पे ऑलरेडी कंटिन्यू ब्लिंक हो रहा है। तो पीछे वाला टायर मेरा बीच में 2-4 दिन पहले पंक्चर हुआ था तो मैंने लोकल से डलवाया था, तो मे बी इशू होगा कुछ। यहाँ पर टायर में कुछ आवाज़ भी आ रहा है, यू कैन हियर इट, ये घिसने का आवाज़ आ रहा है। अभी क्यों आता है पता नहीं, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। मस्त क्लीन हो गया, अभी चेन सब गिर गया, इधर कचरा इधर। अब इसको मैं ल्यूब कर दूंगा। क्या ये कभी कभी प्रॉब्लम आता है, ये यहाँ पे चाबी खोलने के बाद बंद नहीं होता है तो रस्ट के वजह से होता है। इसके लिए मैंने इसमें भी WD-40 मार दिया, स्विचेस पे मार दिए मैंने। तो अभी मेरा बाइक एकदम क्लीन एंड क्लियर। तो अभी बाइक का काम हो गया, अभी जाता हूँ फटाफट, मैं भी नहा लूँगा। तो नहा धो लिया, रेडी हो गया कि अभी बच गया एक, अभी बाइक निकाल रहा हूँ, जा रहा हूँ सर्विस सेंटर में। ऐसे 2.5 किलोमीटर पर है सर्विस सेंटर, लेट्स गो। तो बेसिकली मेरा जो एरिया है वो बेगमपेट है, प्रकाश नगर मेट्रो के बाजू में। PUC लेने का है, मेरे को याद आया अभी मनाली में लास्ट टाइम लिया था लास्ट ईयर। बाइक क्या धोया है, चेन लूप की है, 30-35 के स्पीड पे ही चल रहा हूँ, भगाने का दिल नहीं कर रहा है, बाइक गंदी हो जाएगी। तो ऐसा होता है जब ज़्यादा क्लीन वीन कर लेते हैं तब ऐसे ही होता है। सर्विस सेंटर सर्विस नहीं लेता ना, क्यों? वो अपॉइंटमेंट नंबर लो। अच्छा हाँ, अपना लगा था अंदर बैठ। तो यहाँ पे सर्विस गया जो था वो आया था अभी, उससे मैंने बात की तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने बोला 2-3 दिन पहले टायर पंक्चर हुआ था पीछे का, तो उन्होंने बोला कि या तो ABS मॉड्यूलेटर का इशू हो सकता है, अगर वो ख़राब हुआ तो 20,000 तक का कॉस्ट आएगा, या फिर सेंसर का जो वायर होता है वो कट हुआ तो वो उसका एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो मोस्टली तो बोले वायर का ही प्रॉब्लम होगा। तो 3 दिन पहले हुआ था केबल का अच्छा था, आपने देखा क्या? हाँ देख लिया, उसमें दिख रहा है। हाँ। वो फिट करते टाइम कुछ प्रॉब्लम आ रहेगा। हाँ, हाँ। वो बाहर वाला फिटिंग नहीं करा। अच्छा ये कट है इसके लिए क्या? ABS केबल कट, तो इसके वजह से चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? ब्रेक एफिशिएंसी उतना नहीं रहता एक्चुअली, पीछे का तो वैसे ही ब्रेक एफिशिएंसी कम है। ये घिसा हुआ है यहाँ पे, फिटिंग बराबर नहीं हुआ इसके अंदर से निकल गया है। तो ध्यान रखो आप लोग भी, कभी ये वायर अगर निकला हुआ है तो उसको अंदर फिट कर दो, वायर की वजह से वो ABS का स्क्रीन आ रहा है। बट ठीक है, वैसे इंटरसेप्टर के पीछे का रेयर ब्रेक वैसे भी प्रॉब्लमेटिक ही है। ठीक है कोई नहीं, अभी फ्रीली मैं निकल सकता हूँ। वैसे मौसम बहुत ब्यूटीफुल है, बादल छाया है, ठंडा भी है, एकदम मस्त कूल, एकदम कोजी। कोई टेम्पल है
ये लो, थैंक यू। हवा भी भरा लिए, चेन लूप सब, बाइक एकदम टकाटक रेडी, टेंशन फ्री। अभी कहीं भी जाओ तो खा पी के आ गया, सर्विस सेंटर से आ गया। अभी मैं आ गया हॉस्टल में, तो आज का सेटअप, ऑफिस का थोड़ा काम है, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप जिसमें मैं वीडियोज एंड ऑल सब ट्रांसफ़र कर दूँ, और यहाँ का एम्बियंस। तो सबसे पहले फटाफट काम निपटा लेता हूँ, फिर उसके बाद निकलता हूँ। चलो तब तक के लिए बाय। बोलो, चालू है मेरे, बोलो। चलो सर, आता हूँ आता हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो यहाँ से अभी थोड़ा काम किया, अभी ऑलमोस्ट डार्क होने वाला है, तो मैं सोचा फटाफट पहले जाऊँ लुम्बिनी पार्क और हुसैन सागर। इवनिंग में थोड़ा उजाला रहेगा तो देखने मज़ा आएगा, नहीं तो कोई मज़ा नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा बिरला टेम्पल, बाजू में ही है, और उसके बाद चार मीनार। ये तीन चीज़ मतलब अच्छा अट्रैक्शन है, और उसके बाद फिर वापस आऊँगा हॉस्टल पर। तो फटाफट वे टू लुम्बिनी पार्क। बाइक पार्क कर दिया मेरा, ये पार्क के बाजू में, अभी रोड क्रॉस करके सामने लुम्बिनी पार्क है, वहाँ से पूरा लेक का व्यू दिखता है, तो अभी वहीं जा रहा हूँ। एंट्री टिकट ले लिया है, 20 रुपये एंट्री टिकट है। चलो थोड़ा पानी के नीचे भी, अभी आगे जाते हैं तो बोटिंग है। तो यहाँ पे बोट का 100 रुपीज़ चार्जेस है, तो यहाँ से निकलता हूँ, अभी जाता हूँ बिरला टेम्पल। बिरला टेम्पल के पार्किंग एरिया में आ गया हूँ, सो दिस इज़ द पार्किंग एरिया। यहाँ से अभी चल के जाना है मुझे बिरला टेम्पल के लिए। टेम्पल के लिए कहाँ से जाना है? ओके, थैंक यू। टेम्पल टाइमिंग मॉर्निंग 7 to 12 नून, देन 2 PM to 9 PM। यहाँ पर चप्पल रख देना है। बिरला टेम्पल जाके तो आ गया, अंदर मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं था, तो कैमरा लॉकर में ही रख के मैं अंदर चले गया। ऊपर से सीनरी बहुत ब्यूटीफुल था, थोड़ा लाइन था, दर्शन हो गया। अब मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स चार मीनार, और चार मीनार आने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े, इतना ट्राफिक था। मार्केट एरिया है, अभी समहाउ सामने दिख रहा है चार मीनार। तो अभी चार मीनार के बाद अब मैं जा रहा हूँ बर्गर खाने। तो मैंने जोमेटो पे देखा बेस्ट बर्गर कौन सा, तो सबसे जो टॉप पे आ रहा था रेटिंग वाइज मैं वहीं जा रहा हूँ। अब नाम उसका पहुँच के ही बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या नाम है उसका। बहुत चहल पहल है यहाँ पे। आज का दिन ख़त्म, इवनिंग के बज गए 10:17। आते आते मैं कॉफ़ी पिया, बर्गर खाया, उसके बाद आते आते मैंने मेडिसिन लेना था। एक्चुअली आँख में बहुत खुजली हो रही है मेरे, कंटिन्यू राइड करके शायद से वो प्रॉब्लम आ रहा है, और मेरे को ऑलरेडी थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने क्या किया, आते आते एक गॉगल ख़रीदा, ये मेडिसिन है और ये गॉगल है। फटाफट इसको ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ। टोटल 1999 का पड़ा, मतलब 2000 रुपये का पड़ा मुझे। तो इसको क्या मैं अभी कंटिन्यू राइड करते टाइम डे टाइम में तो एटलीस्ट पहन सकता हूँ। तो अभी फिटिंग भी अच्छा रहा है पूरा, मुझे फुल कवरेज चाहिए था, साइड से भी ऐसा बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल है, दिन भर कंटिन्यू पहना भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छा है। एक मेरे पास था वो 100 रुपये का ख़रीदा था, वो ब्लैक कलर का चालू माल पहना, बट इतना इफेक्टिव नहीं, और आँख में भी पेन होने लगा, तो फेंक दिया मैंने, और अभी ये लिया, एटलीस्ट आँखों के साथ खिलवाड़ नहीं। आज का दिन कम्प्लीट करने के पहले अभी यहाँ पर बैठ रहा हूँ, थोड़ा लैपटॉप निकालूंगा, थोड़ा काम करना है, फिर गाने वाने सुनूँगा और फिर सो जाऊँगा। कल मॉर्निंग में यहाँ से
तो नेक्स्ट स्टॉप मेरा पांडिचेरी है, बट मॉर्निंग में पांडिचेरी जाने के पहले कल मैं यहाँ से नल्लमल्ला फॉरेस्ट होते हुए नेल्लोर रुकूंगा कल इवनिंग में और वहाँ स्टे लूँगा और फिर नेक्स्ट डे मैं चेन्नई साइड निकलूँगा, फिर ईस्ट कोस्ट रूट पकड़ के मैं पांडिचेरी जाऊँगा उसके बाद। तो कल मॉर्निंग में मिलता हूँ मैं डायरेक्ट बाइक पे। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट, बाय।